तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, सीजेआई की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पटना हजारीबाग में पेपर लीक होने में संदेह नहीं है और चार दिन तक दलील सुनी गई थी। मामले में सीबीआई जांच जारी है, तो वहीं सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक को लेकर कल भी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है और साथ ही चार दिन तक दलील सुनी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद में अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली सुनवाई को फैसला सुनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला कब सुनाया जाएगा, क्या डेट भी सामने आ गई है और आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला न केवल सुरक्षित किया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला सुना भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट अभी आदेश लिखवा रहा है कि इस पूरे मामले में तमाम जो याचिकाकर्ता थे उन तमाम याचिकाकर्ताओं को सुना गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चार दिन से लगातार नीट के मामले में सुनवाई चल रही थी, लिहाजा और लंबे समय तक फैसले का इंतजार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कल से काउंसलिंग शुरू होने वाली है और इसी बाबत आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अंतरिम आदेश लिखवा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो अपना आदेश लिखवाया है उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि उसके पास ऐसे कोई सबूत और ऐसे तथ्य नहीं रखे गए जिससे ये माना जाए कि ये फिलहाल सिस्टमैटिक कहीं ना कहीं लीक है। ये एक ब्रीच हुआ था, यानी कि कुछ सेंटर पर परीक्षा लीक हुआ था, जिसे ये नहीं माना जा सकता है कि नीट की 2024 की जो पूरी परीक्षा हुई थी उसकी गरिमा पर किसी भी प्रकार का केस पहुंचा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि पूरी तरीके से परीक्षा में लीक नहीं हुआ है, सिस्टमैटिक आधार पर परीक्षा में लीक हुआ है, लिहाजा पूरी परीक्षा को रद्द करने के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए हैं। यानी कि अब जिस तरह से मांग की जा रही थी कि रीनीट करवाया जाए, ऐसे में अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लिखवाया है उससे ये माना जा सकता है कि जो नीट की परीक्षा है वो दोबारा नहीं होगी। जी, लेकिन स्टूडेंट्स में किस तरह के इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई कि पर्याप्त सबूत नहीं है, री एग्जाम की लगातार मांग भी की जा रही थी, अब उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। जी देखिए, इसमें तमाम तथ्य समझने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिकाएं लगाई गई थी उनमें दोनों तरीके के बच्चों ने याचिका लगाई थी, जिसमें जो फिलहाल दोबारा परीक्षा कराने के एवज में बच्चों ने अर्जी लगाई थी उनकी संख्या 138 थी, लेकिन जो तमाम छात्र थे और ये कह रहे थे कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाए उनके एवज की संख्या 238 थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम तथ्यों पर न केवल विचार किया बल्कि एनटीए और सीबीआई के द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में जो जांच की गई है उन तमाम जांच को लेकर सिलसिलेवार तरीके से हलफनामा भी तलब किया। तो उन तमाम तथ्यों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो फिलहाल फैसला लिखवाया जा रहा है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा, उन मानक के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि परीक्षा में जो लीक होने की बात कही गई थी वो कुछ सेंटर पर हुई थी और वो सेंटर फिलहाल हजारीबाग और बिहार का था, जिसमें पैन लेवल पर बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए कि क्या अब कल से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो पहले रिजल्ट आया था उसी आधार पर? जी देखिए, इस पूरे मामले में अभी आदेश लिखवाया जा रहा है लेकिन ये तय है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कल ही से शुरू होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में और किन किन कारणों को शामिल करता है ये हमें आदेश के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो अभी तक आदेश लिखवाया गया यानी कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा रहा है, आप नजर बनाए रखिएगा। सुशील, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बिजनौर में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के समय बस में 35 से 40 बच्चे सवार थे। स्कूल बस सड़क किनारे खाई में पलट गई और इसमें राहगीरों ने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाल लिया। घटना ग्राम अजीतपुर दासी की है। बाइक सवार को बच्चों के चक्कर में हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे के समय बच्चों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल बच्चों को चोटें नहीं आई है और सभी बच्चे सुरक्षित हैं।
सुबह सुबह बोट लाते हैं, वो आ रहे थे बोट लेकर मोटरसाइकिल पर, उसके बचाने के चक्कर में थोड़ी सी पहिया उतर गया वो पकड़ी गाड़ी, किसी बच्चे का कोई चोट नहीं आई है। कितने बच्चे थे लगभग बस में? लगभग ऐसी थे मतलब 35-40 के आसपास। अच्छा अच्छा, चलिए। और किस किस गांव के बच्चे थे? वापुर के थे, अजीतपुर दासी के थे, नसीरपुर के थे जी, और भी कई गांव के बच्चे रहते। जौनपुर के शास्त्री ब्रिज यानी कि नए पुल से सटकर गोमती नदी पर बन रहे पुल का पिलर टेढ़ा हो गया है और निर्माणाधीन पुल की ये हालत देखकर लोग डर गए हैं। काम में लगे मजदूरों ने लोहे के तार से बांधकर पिलर को धराशाही होने से बचाया है। जौनपुर आसमगढ़ मार्ग को 4 लेन बनाया जा रहा है और सड़कें चौड़ी हो गई है, जिससे कि शहरी इलाकों में गोमती नदी पर बना शास्त्री पुल काफी संकरा है, इसलिए उसके समानांतर करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। करीब एक साल से नदी के दोनों छोर पर बड़ा पिलर बनाया जा रहा है और बीती रात पानी के तेज बहाव के चलते दोनों पिलर धीरे धीरे धराशाही होने लगे और इसमें कोई किसी तरह का कोई खराबी नहीं आया, कोई टिल्ट नहीं हुआ, कोई क्रैक नहीं हुआ है। एक्चुअली प्रोसेस है, सिंकिंग प्रोसेस, इसको हमको 35 मीटर नीचे तक लेके जाना है और उस पर से हम लोड देके इसको सिंकिंग कर रहे हैं। नीचे में क्या होता है कि हार्ड सॉइल होता है और ब्लू सॉइल होता है, तो जहाँ थोड़ा हार्ड होता है तो लूज थोड़ा टिल्ट करता है, फिर उसको फिर हम लोग डिआर्टिंग करते हैं, फिर उसको डालते हैं, फिर लोड देते हैं, उससे फिर उसको कवर हो जाता है और कोई कहीं कोई नुकसान और कोई किसी तरह का इसमें कोई खराबी नहीं आ सकता है। और वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।